तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया एकदम झकास होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया मान लो आप एक सिविल इंजीनियर हो या अभी आपने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की है और आप एक ऑटो कैड सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं और आपने एजुकेशनल पर्पज़ से आपने यहाँ पे अपना रिजल्ट वगैरह सब जो भी अपलोड करना होता है अपलोड करके आपने स्टूडेंट वर्जन का लाइसेंस ले लिया। अब लाइसेंस तो ले लिया बट यहाँ पे आपको चाहिए होता है उसका की ऑटो कैड को चलाने के लिए। अब ऑटो कैड को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की चाहिए होता है, वो लाइसेंस की अब ऑटो कैड नहीं दे रहा है। तो ऑटो कैड जब लाइसेंस नहीं दे रहा है तो आप कैसे ऑटो कैड को एक्टिवेट कर सकते हो, और एक्टिवेट करने के लिए अगर लाइसेंस की मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। आपका ये प्रॉब्लम भी आज मैं सॉल्व करूंगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन को लेने लाइसेंस लेने के लिए आपने जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड का आपने उपयोग किया हुआ है, जैसा कि अगर मैं दिखा दूं तो आपने जिस ईमेल आईडी का उपयोग किया होगा वहाँ पे आपको ये मैसेज मिला होगा। जब आपको स्टूडेंट वर्जन का लाइसेंस आपको मिल जाता है तो यहाँ पे जैसे मुझे मिला हुआ है, तो सिंपल जिस भी ईमेल आईडी से आपको मिला हुआ है उस ईमेल आईडी से आपको अपना जब ऑटो कैड इंस्टॉल कर लेते हो तो वहाँ पे आपको नीचे मिलता है ऑटोडेस्क ऐप का ऑप्शन। आपको सिंपल उस ऑटोडेस्क ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन मिलेगा साइन इन का ऑप्शन। आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आपने स्टूडेंट वर्जन का जो लाइसेंस लिया है उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल करके आपको यहाँ पे सिंपली साइन इन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप साइन इन कर लेते हो तो आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा और आपका नाम जो होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे शो होने लगता है तो आपका जो ऑटो कैड का जो की है वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। और जब आप अपने ऑटो कैड को ओपन करोगे ना, तो जब आपका ऑटो कैड ओपन होगा तो वहाँ पे आपको की नहीं मांगेगा और बेसिकली आप आसानी से भैया यूज कर पाओगे। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होगे कैसे आपको की लेना है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।